धन्यवाद करना चाहूँगा कि इनफैक्ट कर्नल अमित जी आपका भी आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कि यहाँ पे आज ग्रीन हाउस के ऊपर एक डीप ब्रीफिंग के लिए जो एक सेशन यहाँ पे हमारे काउंसिलर साहब के साथ रखा और जिस प्रकार से आपने कहा कि इसको थोड़ा सा मास लेवल पे जो है लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है और अभी जिस प्रकार से आपने अभी प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट भी है और बाकी ग्रीन हाउस के तुलना में जो है ये काफ़ी सक्सेसफुल और इसका जो है एक साइंटिफिक स्टडी करने के बाद जो है इस ग्रीन हाउस को यहाँ पे लाया है, इसका डिज़ाइन उसी हिसाब से बना है जो यहाँ के एनवायरनमेंट को देख के जाहिर सी बात है ये काफ़ी यूज़फुल होगा क्योंकि दिहार ने पहले भी जो भी बनाया है वो सभी को पता है कि दिहार के टेक्नोलॉजीज के द्वारा यहाँ लद्दाख के लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। तो आज ये ग्रीन हाउस के द्वारा भी जो है 100% हमारे यहाँ के लोकल फार्मर्स को जो है इसका लाभ 100% मिलेगा और जिस प्रकार से लद्दाख को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और कार्बन न्यूट्रल के लिए भी जो काम करना है उसके लिए भी ये बहुत लाभदायक होगा और स्पेशली विंटर के महीने में तो इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि विंटर के महीने में यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं यहाँ पे, तो उसके कारण जो है हार्डशिप बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ कमर्शियल वायबिलिटी भी देखने को मिलता है इस ग्रीन हाउस के द्वारा, जिस प्रकार से अभी यहाँ पे दिखाया है कि फार्मर्स ने जो है किस तरह से अपने इनकम में बढ़ोतरी किया है और विंटर के महीने में भी जो है लोगों ने जो है इस ग्रीन हाउस के द्वारा अपने ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है मार्केट में भी जो है लोगों को दिया है। तो 100% इसमें एक तो यहाँ के लोगों के लिए फ़ायदा होगा, दूसरा फार्मर्स खुद के लिए भी जो है ये बहुत बेनिफिशियल है। तो जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी को कोई शक नहीं है कि यूटी लद्दाख में जो है अच्छे स्केल पे ले जाने की आवश्यकता है और जिस प्रकार से अभी एग्रीकल्चर के मैडम ने भी बताया कि उससे पहले मेरा हमारे एग्रीकल्चर के इसी से भी हमने एक बार इस ग्रीन हाउस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो यूटी के लेवल पर जो है पॉलीकार्बोनिक ग्रीन हाउस जो एक ही आपके ही टेक्नोलॉजी के द्वारा बना है तो उसी टेक्नोलॉजी को आपने ट्रांसफ़र करके जो है उसको जो है यहाँ पे दिया गया है। हाँ ठीक है, इसको क्योंकि ये लद्दाख में बना है और इसका पैटर्न भी जो है मोर और लेस यहाँ का ही है, तो इसको जाहिर सी बात है लद्दाख ग्रीन हाउस करके ही इसको प्रमोट करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि इसको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इसी साहब को कि इसके नोमेनक्लेचर को भी चेंज करके यहाँ यहाँ का एक ट्रेडमार्क एक ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी जो लद्दाख ग्रीन हाउस के नाम से जाना जाएगा। फॉरवर्ड एरिया में जो दूर दराज में जो है जांचकर हो गया, देवा हल्ले हो गया, चांगतांग एरिया में जो जहाँ की इस तरह की इवन जैसे हल्ले जाए या फोबरा जाए, समर उनका विंटर के बराबर है, यानी जैसे फोबरांग जाए या हल्ले जाए तो उनको तो कहता है एक महीने के लिए होती है समर, तो उनके लिए ग्रीन हाउस काफ़ी ज़रूरत है। तो सभी काउंसलर्स यहाँ पर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा दूर वाले लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है और मैं चाहूँगा जिससे मेन टाइम कि आप लोगों के थ्रू फार्मर जितना आगे देखेंगे चीज़ों देखने से ज़्यादा होता है, क्योंकि बोलने से जैसे जब तक लोग आंखों से देखेंगे सीइंग द बिलीविंग तब तक नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि ये आप लोग थोड़ा सा आपके थ्रू मैसेज आना चाहिए। आई एम ताशी डोलमा, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। क्योंकि हमारे चीफ साहब बाहर है तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर पाए, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये जो टेक्नोलॉजी जो बिहार ने जो ट्रांसफ़र किया है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एग्रीकल्चर है, तो इसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, कहाँ पहुँचा है, इसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है जो इस स्पेशल इस टॉपिक का जो विषय है, ना कि दूसरी जगह हम इधर उधर जाने से। तो ये जो टेक्नोलॉजी डीआर ने 4-5-6-7 साल इन्होंने रिसर्च किया, फिर उसके बाद जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होता है, फिर उसके बाद मल्टीलोकेशन ट्रायल होता है, जगह जगह पर ट्रायल होता है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होता है। तो फिर जो भी एग्रीकल्चर का मैंडेट ये है जो भी नया टेक्नोलॉजी है वो फार्मर तक पहुँचाए, क्योंकि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो टेक्नोलॉजी को फार्मर तक नहीं पहुंचा सकते, वो किसी 2-3 जगह पर टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकते हैं लेकिन हर जगह जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो डेवलप किया है वो डिफरेंट लोकेशन पे जो जितने भी यहाँ पर लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट है विलेजेस है तो वो डिपार्टमेंट ही ले जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर डीआर और डॉक्टर स्टॉपडन का थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इस तरह का डिस्कशन रखा, इंटरेक्शन रखा रिगार्डिंग दिस लद्दाख ग्रीन हाउस, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे लिए नया ही है लेकिन 2 साल हो गया है हमें इस टेक्नोलॉजी को शुरू किए हुए, 2 साल हो गया है। कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से ये कॉन्टेक्ट नहीं हो पाए, सप्लायर को नहीं जा पाए,
जिसकी वजह से ये जो कंप्लीट अभी तक नहीं हुए। अब हम हमारे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में हमने सप्लायर को ये कॉन्टेक्ट दे दिया हुआ है, तो काम जितने भी पिछले साल का जो पेंडिंग था वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया हुआ है। जो इस साल का जो इस साल जो भी बना हुआ है वो भी अभी फुली स्पीड के साथ चल रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ मटेरियल लगाना था। ग्रीन हाउस तो ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन मटेरियल लगाना था वो तो विंटर्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे कंस्ट्रेंट्स है, विंटर्स है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमें अक्टूबर नवंबर तक ही जितना भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो कंप्लीट किया जा सकता है, कि उसके बाद फिर मटेरियल वो है वो विंटर्स में भी लगा सकते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी में भी लगा सकते हैं। प्योर ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक यानी खाने से बढ़िया यार देखने अच्छा यानी सुबह आ जाएंगे ये एक्चुअली ऑर्चर्ड वो करना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट जब आता है तो गर्मियों में तो जब वो मरने से पहले अंडा देता है, तो अंडा आपका या तो फ्रूट्स में होगा या तो पत्ते पे होगा। अब यहाँ देखिए हमने पूरा पत्ते एक्चुअली निकाल के हम झाड़ू मतलब मार देंगे, तो क्योंकि आपका अंडा नहीं होगा तो इंसेक्ट तो आएगा ही नहीं आपका। तो उसके हिसाब से मेरा खुद यहाँ 14 साल हुआ है, हमने कभी पेस्टिसाइड नहीं किया, कभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं किया, और हमारा लगभग हम 3 या 4 हज़ार केजी के करीब हम एप्पल सेल करते हैं। हमारा एक और वहाँ 2 कनाल है, तो उसमें से हार्डली आपको 5 या 6 फ्रूट होगा जो एक फ्रूट आपका डैमेज है, बाकी 100% हम सेल करते हैं। कल जो कोल्ड ड्रिंक मोड के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं हम कुछ नहीं करते, यहाँ पे कुछ नहीं लगा, ऑर्चर सैनिटेशन बस यही एक्चुअली तरीका है। वो फार्मर्स को करना पड़ेगा, फार्मर्स के लिए, लेकिन इसमें कि गांव में क्या पूरा गांव वाले को करना पड़ेगा। लेकिन मान ले आपने फैंग गांव में किया तो फिर दूसरा जगह से आपका आने का चांसेस कम है, क्योंकि आपके बीच में पहाड़ है, तो दूसरा गांव से आपके वहां आने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर फैंग वाला पूरा एक हो जाए ना तो आराम से मतलब कौनसलर संगने ग्रीन हाउस ठीक है दक्षाई लद्दाख ग्रीन हाउस लो टुकड़ जी लास्ट चौथे तब दिम्बा यूंग ट्रांसपोर्ट छरुंगेरा तेबे मैंने गुल स्किल दक्षा मैंने डिसम्बर थोड़ी यकनी जनवरी यौन चेसन तेन ई तुस पे का छोटा आम ग्रीन हाउस युवा मिलेगा तत्व इन मसा गया छोटे मिंदु गया तेनते हिसाब दक्षा काउंसिलर इनोक सी सी हिसाब खूब संगमा एक यूज पी दिम्बा ग्रीन हाउस जिक्स तेने त्यों पुंग यंग इन गिरजा खेम त्यों आजुक सजेशन तो यूज पसंद गया तेनते हिसाब इक दक्षा ग्रीन हाउस खोंग आजुक डेमोस्ट्रेशन इफ यंगा इक तान जाते गया तेने त्यों नंग दक्षा संगाई लो सूम जी लंगा यंग सी सी हिसाब संगमा काउंसिलर इका
azuk khongai ka azuk ngai invite chos te ngai ginaus bol tane tene dimba yumma gyal duk zer tene tene te wi sabang ata ik ladak ginaus zer tene ata ik project ma chin mujik duk tene gale tene te project pe hi sunga daksa ngata zik tes kon ngata ladak gangpu ata ngata yongche chane lo chik ngi shina ngata ladak gangpu ngata mimang gun ei be kan ngata phan to yongche se nongera ka sa chhe patel I chok si greenhouse gun tene ngata ngai dihari inang ata sona chik pe ka man pa tene jan ngata ngai yang tong paranga chok sungun ka ngai yode chhon ma baden yoda ka zuk shot kale a I ginaus po ngayar goma ngai nani ngai ya le ngata uti chok ngai azuk shi yong ski ngai ginaus pa demba azuk gyala yud das pa tene khong tu jora ki yu ginaus pa demba ngira ko ne ika gyala chhadna tene ngata jingbat pe ngati aka chi charuk te ol to das pa sangai I chok ginaus nga ngai thik se chos pin yale chi changma ngata dihare tang tor ka ginaus po ngai le tene chok ngata ka tang tor gale tene yak ngi singul la ngai anne ka sa ta so pin ba tene daksa jingbat pa khong changme la yale mane daksa ngata broccoli duk ngira khong la ngata cauliflower duk ngata tomato duk ngata ngirma duk ngira ते संगमांगा ता काउंगा ता आम ग्रीनहाउस कुने यो अमित तने खों तन्ना वे कांग ते संगमांगा ता मासन ते ग्याला चोस्तंगा ता ते मिन्ते दुगेरा तने तो गले ता योंते से ने तुस गुने ता सन तेंगे जा ग्रीनहाउस पंगा ता दिहारी का जा देंगे जा लो माम माम पर तक जा जा दे ता ता ट्रांसपोर्ट लूस इन जी ता इनो पा तने मिमांग गुने ता कजुक शिक ना ता मिमांग से चोना रिस्पोंस यु लेपचे जिनो का योंते से ने तुस गुने नाले आ नन्मा ता ता मिमांग पुजे हामा गुआनो गले चेजे ने ग्रीनहाउस पो मांग पो लेक जिक मा जिक पसंग ता ग्यूस मा संगमा थेचोम जी यो चेजु गले छंगमे त्यो थुक्दामा गोमा त्यो दुखी आँता इभन स्टिकपा आँता रङरा स्टिक चेस अहिले युटी हिसाब त्यहाँदेखि बाँकी आँता त्यो पोलिकार्बोनेट सिट नाच्याख्मा कि छङमा आँता है गभर्मेन्टले छोक्दैन त्यहाँदेखि सब्सिडी मङ पुज्यो त्यो अहिले त चेजन गोमा मिगुन मङ्पु हामा गो बस त्यही फ्याङ आँता ज्यासिक इभन आँता मिगुन दुलाइँछ ज्यासिङ आँता गोर्तिन चेज गाले तलुवाङ दक्षाङ आँता एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट जोर खालम खोङ गिनाउ गि ब्याजिक अलरेडी खोङ आँता जिङबाद पे आका आका चो छार्तन गाले त्यहाँ चोक आयार अन्डे माने हाला शिस गाता माने अजुक दुगाले इबे फन्तोक मछिन मजु दु ते फे देबा लेक गाता डिपार्टमेंट छक सु गाता चो ग्रीनहाउस थप ना देबा यु माने थेचोम माने मेत पा गाता इ अजुक इ ग्रीनहाउस पो एडप जोगो शिस छ दुगाले जे जने इ ग्रीनहाउस पो चिक तंगा ता तेउ नोगाले छदमा नामि ना चंगा ता इन नो निस्पा ग्रीनहाउस पो माने थोंजो माल दे मुद गिरा त माने देबा गाता मिनो ले गाता देबा दक छ छो गाता ngo chot khan jin na khong thongzo ang mal de mi gung sa no gale te ba no te ne sumpa i bena te o khak chan no i bena i ginos po halang ngata ইস্যু চাই চুষ পা আদা ছোচে সুগালে তেনপু ইম্পু ই গ্রীনহাউস পোচি আজ পলিকার্বোনেট শীত পো আদা ফিক্স চোস পাব লো গংপু আতা ইভেন আদা ছোনা মিন চেস আতা ইভেন ইয়ত নগালে চেজেন গাইয়ারা ইনকা লো জিস গাই জিতা মানে লোজুং গাইয়ার ইকা স্তন্তক নিন লো চিগে না ইভেন স্তন্তক আদা সুম দিন গেলা নক কাসা ঠিক আছে কাসা চলে যা